हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 49 सम 48 सम। हमने अब तक किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे के सारे 48 सम्स। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट जरूर करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। सो 49 सम फॉर 3 मार्क्स, हियर इट कम्स। सो इसमें आपको वैल्यू निकालने बोला है। आपको सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है। सेक ए कितना दिया है? 2/√3। सो आपको दिया हुआ है sec a इक्वल टू 2/√3। देखो, अच्छा मुझे बता, एक बात बताओ, ये sec a कहाँ पे पॉजिटिव है? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? जैसे कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूं, मैं बताऊ यहाँ पे होता है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकेंड में क्या होता है? साइन और कोसेक। थर्ड में होता है टैन कॉट। और फोर्थ में होता है sec एंड cos। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही चिपके रहना है फिलहाल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो वहां पे काम करो, वहां पे इस तरह से ऐसा ट्रायंगल बनाना रहता है, ठीक है। ओ ले लो और यहाँ पे ए और बी ले लो आप, ठीक है। और ये आपका, आप ही काम करो, यहाँ पे एंगल ए मार लो, सबसे बेस्ट, ये बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए ले लो और यहाँ पे ओ ले लो, ठीक है। सो देखो, सेक ए एंगल ए है ये। सेक ए मतलब क्या? सेक ए का मतलब क्या होता है? सेक ए इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो sec a क्या होता है? sec a is hypotenuse upon adjacent। अच्छा, हाइपोटेनस साइड कौन सा है? देखो, हाइपोटेनस विल बिलोंग टू 2 एंड एडजेसेंट विल हैव वैल्यू √3। व्हाट इज हाइपोटेनस? कहाँ पे हाइपोटेनस? 2 ये। और एडजेसेंट क्या है? एंगल a के एडजेसेंट क्या है? ये √3 बराबर, ये √3 इधर, ठीक है। आप एक काम करो, आप पाइथागोरस थ्योरम से वो भी निकालो, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर ए ओ स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज 4 इक्वल टू 3 प्लस ओ बी स्क्वायर। Therefore, OB square equal to 4 minus 3, which is equal to 1. So, therefore, OB square is what? OB square is 1. ठीक है? Therefore, OB का value कितना आ गया? 1 ही लेना। देखो, plus minus 1 आ सकता है, लेकिन हम first quadrant की बात करें, जहाँ पे y जो है positive side है, ये positive side of y, बराबर, तो इसका value होगा 1. Minus 1 नहीं लेंगे हम, this is 1. ठीक है? सो OB का वैल्यू आपको 1 आ गया। OB जैसे 1 आ गया तो देयरफॉर अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। हमें tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे निकालेंगे हम, देयरफॉर tan A निकालते हैं। अच्छा, tan A मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan A ऑपोजिट, कौन है ऑपोजिट? OB। एडजेसेंट कौन है? AB। सो OB इज व्हाट? 1। एडजेसेंट कौन है? √3। बस समझ में आया, ये 1/√3। tan a निकाल लिया हमने। उसके बाद हमें क्या निकालना है? sin a। sin a इज ऑपोजिट अमाउंट हाइपोटेनस। ऑपोजिट कौन है? ob। हाइपोटेनस कौन है? ao। ob मतलब 1, हाइपोटेनस कौन है? ao मतलब 2, बराबर 1/2 आ गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको निकालना है sin a हो गया, उसके बाद आपको cos a निकालना। व्हाट इज cos a? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज एडजेसेंट? ab अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? ao। This is equal to √3/2। समझ में आ रहा है? So therefore आप वैल्यू अब निकालोगे tan a upon cos a plus 1 plus sin a upon tan a, ठीक है। इसका वैल्यू निकालोगे आप, कितना हो जाएगा? tan a का कितना हमने निकाला था? 1/√3 upon cos a का √3/2 plus 1 plus sin a मतलब 1/2 upon tan a मतलब कितना हुआ? 1/√3। So this is equal to 1/√3 इंटू 2/√3 प्लस ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज 2/3 प्लस 3√3/2। सो दिस इज इक्वल टू 4+9√3/6, ठीक है। सो ये आपका वैल्यू फॉर दिस, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू आपको मिल गया। So, यही तो आपको पूछा था उसने निकालने के लिए। सो वैल्यू आ गया आपका। और एक दूसरा तरीका आप लगा सकते हो, कि दूसरा तरीका ये है कि अगर sec a इज इक्वल टू 2/√3 है, ठीक है, तो cos a क्या हो जाएगा? √3/2। और cos a कब होता है?
कॉस ए रूट थ्री बाय टू, मतलब एंगल कौन से एंगल पे आपको कॉस का वैल्यू रूट थ्री बाय टू मिलता है? रूट थ्री बाय टू इज वेन कॉस एंगल ए, मतलब कॉस 30 जब होगा तब रूट थ्री बाय टू आ जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, मतलब आपको ए का एंगल 30 डिग्री आ गया, और फिर आपको अकॉर्डिंगली ए का वैल्यू डाल दो, तो भी आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मैंने तरीका बता दिया, आपको जो सही लगे वो तरीका लगा के आप सम पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने का। इसी तरह के और सम करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे 50th सम। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।